الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا وقال نبينا صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سمراء بعد العشاء او كما قال صلى الله عليه وسلم इज्जत और एहतराम के लायक बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमतें हमें अता फरमाई हैं उनमें अहम तरीन नेमत सेहत है। चुनांचे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निअमतानि मग़बूनुन फीहिमा कसीरुन मिनन नास, दो नेमतें ऐसी हैं कि अक्सर लोग उनकी कदर नहीं करते हैं। उनमें से एक अस्सेहा के सेहत का ख्याल हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं है। कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कितने खाने से परहेज करना चाहिए, इसकी फिक्र और इस सिलसिले में इन चीज़ों का लिहाज ये हमारे पास, हम में से बहुत सारे लोगों के पास नहीं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये नेमत ऐसी है कि हमें उसकी कद्र करनी चाहिए, उसकी हिफाजत की कोशिश करनी चाहिए। और इसी की अहमियत को उजागर करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मुमिनुल कवी खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, ताकतवर मोमिन ये कमजोर मोमिन से बेहतर। मोमिन कमजोर है तब भी मोमिन है, लेकिन वो मोमिन जो मोमिन होने के साथ साथ कवी है, ताकतवर है, वो बेहतर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला समरा बाद अल-इशा, इशा के बाद गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। बस इशा के बाद तो आदमी को सोने की फिक्र करनी चाहिए। इशा के बाद जल्द सो जाना और सुबह जल्दी उठना ये सेहत के राजों में से एक राज है। आदमी सेहतमंद रहता है जब वो ईशा में के बाद जल्दी सो जाता है और सुबह जल्दी उठता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने फज्र पढ़ी
वो फरहतो इंबिसात से सुबह करेगा, उसकी तबीयत में बशाशत होगी, उसकी तबीयत ठीक रहेगी। वरना ज़ादुल मआद में ये रिवायत है कि उस पर खबासत और सुस्ती तारी होगी, दिन भर एक सुस्ती और काहिली का एहसास। लेकिन हम लोग सोते देर से हैं और उठते देर से, बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि जल्दी नींद नहीं आती, जल्दी नींद नहीं आ रही है हमारी आदत की वजह से, जल्दी सोना शुरू करेंगे तो चंद दिनों में फिर जल्दी नींद आना शुरू होगी। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम सोकर जैसे ही उठते तो सबसे पहला जो काम करते थे वो मिसवाक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसवाक आपके बिस्तर के बाजू ही रखी हुई होती थी। ये मिसवाक लेने के लिए भी कहीं जाना ना पड़े, उठते ही मिसवाक। और सहाबे करम बतलाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले मिसवाक करते, सोकर उठ के मिसवाक करते, नमाज पढ़ने के लिए जाना होता मिसवाक करते, घर से निकलते वक्त मिसवाक करते, घर में वापिस आते तो पहले मिसवाक करते। इसलिए कि हमारे मैदे में, हमारे पेट में जो चीजें जा रही हैं उनमें दांतों का बड़ा दखल है। कि अगर आपके दांतों में कोई चीज, कोई ग़िज़ा का कोई हिस्सा सड़ गया है, बदबू पैदा हो गई है और आप उसे साफ नहीं कर रहे हैं, बल उसी उन्हीं दांतों से आप खा भी रहे हैं, उन्हीं दांतों से आप पानी भी पी रहे हैं, तो वो जो दांतों में खराब रेशे जो फंसे हुए हैं वो उस पानी के साथ और उस ग़िज़ा के साथ हमारे मैदे में मुंतकिल हो जाते हैं और सेहत मुतासिर होती है। तो मिसवाक के जहाँ बहुत से फ़ायदे हैं, वहीं एक फ़ायदा उसका यह है कि हमारी सेहत ठीक रहती है। तो अपनी दांतों की सफाई का एहतमाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छींक आती तो मुंह पर हाथ रखते या कोई कपड़ा अपने मुंह के ऊपर रखते थे ताकि छींकने की वजह से जो हमारी नाक से खराब जर्रात निकल रहे हैं, ये जो जरासीम हैं, इससे दूसरे लोगों की सेहत खराब ना हो, दूसरे लोगों की सेहत मुतासिर ना हो। तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम इतना एहतमाम फरमाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सुबह हो तो हर एक पर वाजिब हो जाता है कि वो 360 सदक़े अदा करे, 360 सदक़े दे। तो सहाबे किराम ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से कौन 360 सदक़े देने की अहलियत और सकत रखता है कि रोज़ाना सुबह 360 सदक़े करे। तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुबहानअल्लाह कहना एक सदका है, अल्लाहु अकबर कहना सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, अच्छी बात का हुक्म देना सदका है, बुरी बात से रोकना सदका है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाश्त की 2 रकात नमाज ये 360 सदक़ात के बराबर है।
कि अगर कोई चाश की नमाज पढ़ ले तो वो 360 सदक़ात के बराबर। ये जो 360 सदक़े देना वाजिब ज़रूरी है, ये जो हुज़ूर ने फरमाया, उसकी वजह यह है कि हमारे बदन में 360 जोड़ हैं, जॉइंट। हम जब सुबह उठे तो हमारा हर जोड़ सही सालिम है, उसमें कोई खराबी पैदा नहीं हुई है। तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो जिस्म सेहतमंद है उसका हर जोड़ सलामत है, तो उस हर जोड़ के बदले में एक सदका ये अदा करना चाहिए, उस नेमत का शुक्र। ये तो हम जब सुबह उठते हैं और सेहतमंद हैं तो ये कोई मामूली नेमत नहीं है। कितने लोग हैं जो रात में सोते हैं और सुबह उठते हैं तो फिर उठा नहीं जाता है, सेहत खराब हो गई, बुखार आ गया। और कितने ही लोग वो होते हैं कि रात में सोते हैं तो फिर रात ही में उनकी रूह परवाज कर जाती है और सुबह उठ भी नहीं सकते। इसलिए सुबह उठ जाना ये एक नेमत है, और जोड़ों का सही सलामत होना ये एक और नेमत है। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अस्बह मिनकुम मुआफन जसदहु, जिसने सुबह सेहत की हालत में की, ये बदन सेहत व आफियत के साथ है, आमिनन फी सिर्बिही, और अपने घर में सुकून और आफियत के साथ है, कोई मुसीबत कोई परेशानी सुबह उसको लाहिक नहीं। वरना कई मरतबा ऐसा होता है कि आदमी अभी नींद में से भी नहीं उठता है कि कोई मुसीबत उसका इंतज़ार कर रही होती है, कोई परेशानी उसका सामना की हुई होती है, पता चला किसी का एक्सीडेंट हो गया, पता चला किसी का इंतकाल हो गया, और उठते ही आदमी को उनके जनाजे में शरीक होने के लिए जाना है। सुबह उठे पता चला कि हमारी जो गाड़ी है उसका एक्सीडेंट हो गया, सुबह उठे पता चला कि घर में बच्चे बीमार हो गए, सुबह उठे पता चला कि रिश्तेदारों में फलां को ये परेशानी आ गई, तो आदमी सुबह उठते ही परेशान उठा। तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने घर में जो आफियत के साथ है और इंदहु कुत यौमी, उसके पास एक दिन खाने के लिए जो ग़िज़ा चाहिए वो मौजूद है, कअन्नमा हीज़त लहु दुनिया, तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उसके पास क्या कम है, सारी दुनिया उसको दे दी गई, दुनिया में और क्या है आदमी के पास, सेहत ठीक रहे, कोई परेशानी ना हो और जिंदगी गुजारने का सामान उसके पास मौजूद हो। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्ना नास लम युअतु शैअन अफ़ज़ल मिन अल-अफ़व वल-आफ़ियति, लोगों को अफ़व आफियत से बेहतर कोई चीज नहीं दी गई। आप सुकून से हैं, आफियत के साथ हैं, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इससे बड़ी नेमत किसी इंसान को दुनिया में मिली हुई नहीं है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के हालात को हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न ज़रूरत से ज़्यादा सोते थे और न ज़रूरत से ज़्यादा जागते थे, जितनी ज़रूरत होती सोते और जिस वक्त जागना होता जाग जाते। एक सहाबी जब उन्होंने ये नीयत की थी कि मैं रात में नहीं सोऊंगा, रात भर जाग कर अल्लाह की इबादत करूंगा, तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उनको नसीहत करते हुए फरमाया था, इन्नली आइनई का आलई का हक्कन, कि तुमने ये जो नीयत की है
कि मैं किसी रात में नहीं सोऊंगा, हमेशा जागता रहूंगा और रात भर इबादत करूंगा। तुमने ये कोई अच्छी नीयत नहीं की है। इन्ना लिअयनैका अलैका हक्कन, तुम्हारी आंखों का भी तुम पर हक है, उनका भी हक है कि तुम उन्हें आराम दो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधी करवट लेटते थे। ये जो सीधी करवट लेटना है, इसमें भी सेहत का राज छुपा हुआ है। जब आदमी सीधी करवट लेटता है तो इस तरह लेटना गिजा के हजम करने में उसके लिए मददगार बन जाता है। ये गिजा जल्दी हजम होती है। ये जो हम जैसा चाहे वैसे लेट जाते हैं, ये सेहत के लिए मुफीद नहीं है। सीधी करवट ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सुन्नतें हैं, हुजूर की ज़िंदगी के जो तरीक़े हैं, उसमें जहाँ बेशुमार रूहानी फ़ायदे छुपे हुए हैं कि आदमी की रूहानी तरक्की होती है, अल्लाह की रज़ा हासिल होती है, बंदा अल्लाह का के मुकर्रब बंदों में शामिल हो जाता है, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़ुर्ब उसे हासिल होता है, वहीं हमारी सेहत के बहुत सारा हमारी सेहत का सामान है। हज़रत अम्र इब्न शुऐब रिवायत करते हैं अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुलू व शरबू व तसद्दकू। हुज़ूर ने फरमाया कि खाओ पियो, सदका व खैरात करो, वलबसू व अलबिसू, और पहनो, लेकिन बस एक दो चीज़ों का ख्याल रखो कि ये जो खाना है, पीना है, पहनना है, सदका व खैरात करना है, ये रिया और दिखावे के जज्बे से ना हो, वला और ना फजूल खर्ची के साथ। क्यों? इन्नल्लाह युहिब्बु अन तरा असर निअमतिही अला अब्दिही। अल्लाह ने अपने बंदों को जहाँ ये नेमतें अता फरमाई, अल्लाह चाहते हैं कि बंदे इन नेमतों को इस्तेमाल करें और इन नेमतों को इस्तेमाल करके अल्लाह के शुक्रगुजार बन जाएं। सूरतुल नहल में अल्लाह ताला ने जहां शहद की मक्खी का जिक्र किया और शहद के मनाफे बतलाए कि फीह शिफाउ लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है। कुरान हकीम में जो हमारी आखिरत की कामयाबी के लिए नाजिल किया गया है, जो किताब हिदायत है जिसका असल मकसूद और असल मंशा वो हमारी कब्र की ज़िंदगी की कामयाबी है, आखिरत की कामयाबी है, जहन्नम से बचने का इंतज़ाम कर लेना है, जन्नत में जाने के रास्ते बना लेना है, ये उसका असल मकसद है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उस अपने मुकद्दस कलाम में शहद की तारीफ कर रहे हैं, फीह शिफाउ लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है। आप शहद खाएंगे, शहद इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है कि इसका जन्नत में जाने से तो कोई ताल्लुक है नहीं कि जो शहद खाएगा वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह ये चाहते हैं कि मेरे बंदे, मैंने जो नेमतें पैदा की हैं वो मेरी नेमतों को इस्तेमाल करें, अपनी सेहत की हिफाजत करें। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि ये जो जिस्म मेरे और आपके पास है, ये मेरा और आपका नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है जो अल्लाह ने मुझे और आपको दी है। और जिस तरह अमानत की हिफाजत ये हमारी जिम्मेदारी है और फरीजा है, दीनी फरीजा है,
हमारे अपने जिस्म की हिफाजत की, ये हमारी दीनी जिम्मेदारी और हमारा दीनी फरीजा है। मैं जो चाहे नहीं खा सकता हूँ, कि मैं मेरी मर्जी जो चाहूँ खाऊँ और जो चाहूँ ना खाऊँ, नहीं, मैं अपने जिस्म को जैसा चाहे इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, ये अमानत है अल्लाह की। इसलिए अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने तरीक़े बताए क्या क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, और जहाँ हलाल ग़िज़ा को इस्तेमाल करना हमारे ऊपर लाजिम और ज़रूरी है कि हम हलाल ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करें, वहीं इसकी भी तालीम दी गई है कि बेहतर ग़िज़ा इस्तेमाल करें, हलाल में भी जो बेहतर है उसको इस्तेमाल करें। चुनांचे आप कुरान करीम पढ़ें तो कुरान में अल्लाह ताला ने अंजीर की तो कसम खाई, जैतून की कसम खाई, वत्तीन वज़ैतून, समोसों और पकौड़ों की कहीं कसम नहीं खाई, समोसों की कसम, पकौड़ी की कसम, करी पफ की कसम, एग पफ की कसम, क्यों? अल्लाह के इल्म में नहीं था कि लोग पकौड़ी भी बनाएंगे और समोसे भी रहेंगे। अल्लाह ये चाहते हैं कि हलाल तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन हलाल चीज़ों में भी जो बेहतर रहे उसको इख्तियार करो। और अल्लाह जब किसी चीज़ की कसम खाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एक बड़ी नेमत है, वो एक बड़ी चीज़ है, इसीलिए अल्लाह ने उसकी कसम खाई है। हमें अहमियत बतलाना चाहते हैं कि इसकी अहमियत को समझो। इंसानों को अहमियत समझाने के लिए अल्लाह ने कसम का उसलूब इख्तियार किया कि कसम है अंजीर की, कसम है जैतून की, क्या ज़रूरत पड़ी अल्लाह को कसम खाने की। बस हमें अहमियत जताना चाहते हैं कि देखो अंजीर ये मामूली नेमत नहीं है, इसकी अहमियत को समझो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दीन के कामों में मसरूफ हुआ करते थे। हुजूर से ज़्यादा मसरूफ दुनिया में कोई नहीं और ना होगा, लेकिन अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपनी सेहत की हिफाजत इतनी की थी कि अहादीस में आता है कि हुजूर का सीना और पेट बराबर था, कि सीना पीछे है और पेट 2 मीटर आगे है, ऐसा नहीं था। तो ये जो हम बस दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में बस जो आया खाते चले जा रहे, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम का ये तरीक़ा नहीं था। इतना ही खाते थे जितनी ज़रूरत, और वही खाते थे जो खाना चाहिए। चुनांचे शमाइल तिर्मिज़ी में है कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी भर एक मरतबा दो मरतबा नहीं, सारी ज़िंदगी छने हुए आटे की रोटी इस्तेमाल नहीं की। आटा छान कर फिर रोटी बनाई गई हो, वो रोटी हुजूर ने जिंदगी भर नहीं खाई, एक मरतबा भी नहीं खाई। और हमारे पास हमारे घर की औरतें जब आटा पिसाने के लिए भेजती हैं तो इस हिदायत के साथ भेजती हैं, थोड़ा बारीक पीसो बोलो, बारीक रहे आटा। तो हुजूर बारीक आटा इस्तेमाल नहीं करते, बस उसमें भूसा रहे, कुछ मोटा मोटा रहे। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि सबसे पहली खाने पीने में जो बिदअत मुसलमानों में आई, खाने पीने की लाइन में,
वो छलनियाँ हैं जिससे छानते हैं। ये हुजूर के ज़माने में छलनियाँ इस्तेमाल नहीं होती थी। तो किसी ने पूछा कि आप लोग आटा तो हाथ से पीसते थे, चक्की, हाथ की चक्की से, और उसमें तो उतना बारीक नहीं होता है, तो फिर उसे कैसे खाते थे? तो कहा कि बस फूंक मारते, जो उड़ना होता उड़ जाता, जो बाकी रहता बाकी रह जाता। ये जो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हम लोगों ने इसको छोड़ दिया, और छोड़ने का नतीजा ये हुआ कि आज बहुत सारे अमराज में लोग मुब्तला हो गए, और आज फिर दुनिया के समझदार लोग ये मशवरा दे रहे हैं कि समझदारी इसमें है कि हुजूर के तरीक़े पर आ जाओ। ये समझदारी इसी में है कि हुजूर के तरीक़े को इख्तियार कर लो। इसलिए अब भूसे वाला आटा तो मिलता नहीं है, हाँ भूसा अलग से मिलता है सुपरमार्केट्स में, आटा अलग भूसा अलग, भूसा भी बिक रहा है, और डॉक्टर कह रहे हैं कि उसको मिलाकर रोटी बनाओ। आटा तो आपको 40, 50, 60, 70, 80 रुपए किलो मिल जाएगा, लेकिन भूसा 100 रुपए, 150 रुपए किलो, आटे से ज़्यादा भूसे की कीमत है। तो ये जो अल्लाह के पैगंबर आ, अच्छा फिर ये हुजूर तो नॉर्मल जो आटा है उसको छान कर इस्तेमाल नहीं करते थे, और हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? उस आटे को छान छान के जो उसकी आखिरी शक्ल है उसको कहते हैं मैदा, आखिरी शक्ल, अब उससे ज़्यादा बारीक नहीं हो सकता है। हम सुबह से शाम तक उसी को इस्तेमाल करते हैं, सुबह उठे डबल रोटी, बस खुद भी खा रहे हैं बच्चों को भी खिला रहे हैं, और किसी दावत में चले गए रुमाली रोटी। घर जा रहे हैं बच्चों को कुछ ले जाना है, करी पफ, एग पफ, और इसी तरह की बेकरी के आइटम्स। तो ये जो बेकरी के आइटम्स हैं इनमें से कोई भी मैदे के बगैर नहीं बनता है। सुबह सुबह नाश्ता करना है, पूरी, पूरी मैदे से बनती है, तो हमारी ग़िज़ाओं में मैदा शामिल हो गया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ा में मैदा था ही नहीं। तो अब हम इतना उल्टा चल रहे हैं और फिर भी सेहतमंद रहे, कैसे हो सकता है? हमें अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के तरीक़ों को अपनाना होगा, उसी में हमारी दुनिया की भी सेहत है, आखिरत की भी कामयाबी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी अपने पेट के तीन हिस्से कर, एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए, और एक हिस्सा हवा के लिए। लेकिन हम लोग जो खाते हैं वो कैसा खाते हैं? हम लोग जब पढ़ रहे थे तो एक किताब में एक लतीफ़ा हमने पढ़ा था कि एक साहब हकीम साहब के पास गए और जाकर कहा कि हकीम साहब थोड़ा ज़्यादा खा लिया, हाजमे की कोई दवा दे दीजिए। तो उन्होंने दो पूड़ियाँ दी कि इसको खा लो और उसके बाद पानी पी लेना। तो उन्होंने हाथ में पूड़ियाँ ली और कहा कि हकीम साहब अगर इतना खा सकता तो और थोड़ा खाना नहीं खाता था, अगर ये दो पूड़ियाँ मैं खा सकता तो और थोड़ा खाना नहीं खाता था। तो हमारे पास, हमको तो खाने के बाद उसको हजम करने के लिए चूरन खाने की भी गुंजाइश नहीं रहती है, इतना खाते हैं।
और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मा शबिअ फी यौमिन मर्रतैन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में दो मर्तबा पेट भर कर नहीं खाते थे। एक मर्तबा अगर पेट भर के खाए, दूसरे मर्तबा बिल्कुल कम। मिन खुब्ज़ बुर्रिन, जौ की रोटी कभी हुजूर ने पेट भर कर नहीं खाई। हज़रत उमर फारूक जिनकी बहादुरी ज़रबुल मसल है, इंतहाई ताकतवर इंसान, जिस्मानी तौर पर भी रूहानी तौर पर भी, हुज़ूर ने फरमाया कि उमर जिस रास्ते से गुजरते हैं उस रास्ते से शैतान नहीं गुजरता है, शैतान भी इतना डरता था। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के हालात पढ़ेंगे तो पता चलता है कि हज़रत उमर सिर्फ 11 लुक़मे खाना खाते थे, सिर्फ 11 निवाले। और हम तो बग़ैर गिने के खाते हैं, फिर भी हज़रत उमर उमर थे और हम कुछ भी नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, हज़रत उमर के जो फर्जंद हैं, बेटे हैं, एक साहब उनके पास आए और आकर हाजमे की का कोई जवारिश, कोई माजून या कोई पाउडर उनको उन्होंने पेश किया कि ये हाजमे के लिए बहुत मुफीद है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो मुत्तबे सुन्नत सहाबी थे, जिनकी इत्तबाए सुन्नत में उनकी एक नुमाया हैसियत थी, उन्हें फरमाया कि ये किसी और को दे दो, इसलिए कि 40 साल हो गए हैं अब तक मैंने कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया। भाई हाजमे की दवा की ज़रूरत किसको है, जो पेट भर के खाया तो अब हज़म करने के वास्ते भी कुछ खाना है, जो पेट भर के खाया ही नहीं तो उसको हाजमे के चूरन की क्या ज़रूरत है। तो ये किसी और को दे दो, 40 साल हो गए अब तक कभी पेट भर के खाना नहीं खाया। सहाबे किराम में एक मशहूर सहाबी हैं हज़रत साद इब्ने अबी वक्कास रज़ी अल्लाहु अन्हु, और ये वो सहाबी हैं जिन्होंने हुजूर से ये कहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सीने में कुछ तकलीफ़ महसूस होती है। तो हुजूर ने फरमाया था, और हुजूर ने उनके सीने पर हाथ रखा और कहा था कि तुम्हें हार्ट प्रॉब्लम है, और तारीख़ इंसानी में ये पहला मौका है कि दुनिया ने ये जाना कि दिल भी बीमार होता है। और हुजूर ने उसके बाद कहा कि साथ तुम हारिस बिन कल्दह, उस ज़माने में एक हकीम थे और अभी मुसलमान नहीं हुए थे, कहा कि उनके पास जाओ और उनको बताओ कि तुम्हें सीने में दर्द है और दिल का आरेज़ा है, और उनसे ये कहो कि वो तुम्हें अजवा खजूर इस्तेमाल करवाएं। और दुनिया में आज तक दिल की जो ये जो प्रॉब्लम है उसकी अजवा खजूर की गुठलियों के पाउडर से बेहतर दवा आज तक ईजाद नहीं हुई। दवा भी हुजूर ने बताई। ये जो हज़रत हारिस बिन कल्दा हैं, ये बाद में मुसलमान हुए सहाबी हैं, तो इनसे किसी ने पूछा कि सबसे बेहतरीन दवा कौन सी है। ये तो बहुत वो हकीम थे जिनकी हिकमत पर मुहर हुजूर ने लगाई कि ये अच्छे हकीम हैं, सर्टिफिकेट हुजूर ने दिया, अब इससे बड़ा हकीम और कौन हो सकता है। तो हज़रत हारिस बिन कल्दह ने से जब ये पूछा गया कि सबसे बेहतरीन दवा कौन सी है, तो हज़रत हारिस बिन कल्दह ने फरमाया कि जब भूख लगे उस वक्त खाना खाना खाना, जब भूख लगे तो खाना, ये सबसे बेहतरीन दवा है। और हम लोग कब खाते हैं, टाइम टू टाइम, भूख लगो मत लगो, अरे मेरे खाने का टाइम हो गया, भूख भी लग रही है, नहीं लग रही है, मगर अब खा लिए तो एक काम हो जाता, खा लिए तो एक काम हो जाता, इन्हें नहीं मालूम कि काम तमाम भी हो जाता।
तो टाइम टू टाइम हुजूर नहीं खाते थे। तो हज़रत हारिस बिन कल्दह ने फरमाया कि जब भूख लगे तो खाना, ये सबसे बेहतरीन दवा है। उनसे पूछा गया कि सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है, तो हज़रत हारिस बिन कल्दह ने फरमाया कि जब भूख ना लगे उस वक्त खाना, ये सबसे बड़ी बीमारी। भूख नहीं है फिर भी खा रहे हैं, और आजकल जितने अमराज हैं वो इसी की वजह से हैं कि भूख नहीं है फिर भी खा रहे हैं। लोग बोलते हैं आप खाना खा लिए और किसी के पास गए, तो अब वो चाय बिस्किट और कोई चीज़ पेश कर दिए, आप बोले अभी खा क्या, अरे खा लो पड़ा रहता हो। और हकीकत यही है कि वो हमारे जिस्म में कहीं तो भी पड़ा हुआ रहता है, वो हमें फ़ायदा नहीं पहुंचाता है। और फिर इधर बढ़ गए इधर बढ़ गए, अगला किधर है पिछला किधर है समझ में ही नहीं आता। और हकीकत ये है कि हम लोग अपनी सेहत की फ़िक्र नहीं करते हैं, हमें अपनी सेहत की फ़िक्र करनी चाहिए। हमारी दीनी तरक्की का राज भी इसी में है। जो आदमी सेहतमंद है वही तो इबादत कर सकता है, जो आदमी सेहतमंद है वो तिलावत कर सकता है, जो आदमी सेहतमंद है वो दीन के कामों में भी हिस्सा ले सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे आपको और उम्मत के हर फर्द को अपनी सेहत की हिफाजत, अपनी सेहत की फ़िक्र और अपने आप को सेहतमंद रखने की कोशिश करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Thank you.